हेलो एक फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल में इसका नाम है डिजिटल टीच तो गाइज़ आप देख सकते हो हमारे सामने एक अभी यहाँ पर ये निस्को मेड का इलेक्ट्रॉनिक बॉडी स्केल रखा हुआ है और इसे आप वेजिंग स्केल भी कह सकते हो इसे मैंने फ्लिपकार्ट से परचेज किया है लिंक आपको भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मिल जाएगा अभी मैं इस प्रोडक्ट का अनबॉक्सिंग करके आपको दिखाने वाला हूं और इस प्रोडक्ट के बारे में सारा डिटेल आप लोग के साथ शेयर करूंगा तो बने रहिए वीडियो में आगे तक हमारे साथ और अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर लीजिएगा इससे ये होगा कि मैं फ्यूचर में कोई भी वीडियो अपलोड करूँगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा तो गाइज यहाँ पर आप देख सकते हो कुछ इस तरह की इसकी पैकेजिंग है यहाँ पर निस्कोमेड कंपनी का नाम यहाँ पर लिखा हुआ है यहाँ पर इसका इलेक्ट्रॉनिक बॉडी स्केल लिखा हुआ है और ये मैंने रेड कलर में लिया है यहाँ पर आप देख सकते हो रेड कलर है ये पर्सनल डिजिटल स्केल यहाँ पर लिखा हुआ है इसका मॉडल नंबर यहाँ पर लिखा हुआ है डब्लू एस जीरो जीरो वन और यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शंस लिखे हुए हैं मैं आपको ऊपर कर दिखा देता था हूं। यहाँ पर आप देख सकते हो कुछ इंस्ट्रक्शंस लिखे गए हैं और यहाँ पर आपको लिखा हुआ है कुछ वार्निंग इंडिकेटर्स है सब कुछ आपको वीडियो में बता दूंगा आगे और इधर साइड से आप देख सकते हो यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉनिक बॉडी स्केल लिखा हुआ है और इधर पीछे साइड से आप यहाँ पर देख सकते हो निस्कोमेड इलेक्ट्रॉनिक बॉडी स्केल पर्सनल डिजिटल स्केल ये रेड कलर है वो यहाँ पर लिखा हुआ है कुछ वार्निंग्स दिए गए हैं और यहाँ पर आप देख सकते हो अगर आपको कोई भी कंप्लेंट करना है तो यह अशोक इंटरप्राइज नाम से यह कंपनी है और निस्कोमेड इसका ब्रांड है और यहाँ पर इसका एड्रेस भी लिखा हुआ है दिल्ली का कंपनी है कस्टमर केयर नंबर यहाँ पर दिया हुआ है और ईमेल भी दिया हुआ है आपको कोई भी प्रॉब्लम होता है तो आप इनसे कांटेक्ट भी कर सकते हो ये इसका वेबसाइट है ये वेबसाइट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा और इस साइड भी यहाँ पर आप देख सकते हो इलेक्ट्रॉनिक बॉडी स्केल लिखा हुआ है तो चलिए अब इसे बॉक्स के बाहर निकालते हैं और आपको दिखाते हैं कि पहले बॉक्स कॉन्टेंट क्या क्या है तो चलिए अब इसे बाहर खोलते हैं और निकालते हैं बाहर तो गाइज आप यहाँ पर देख सकते हो कुछ इस तरह से इसे खोलना है खोलने के बाद ये थर्मोकोल पैकेजिंग के साथ में आता है इससे ये हो जाता है कि ये ट्रांज़िट में डैमेज नहीं होगा और काफ़ी सेफ तरीके से हमारे पास डिलीवर होता है तो गाइज़ ये आप देख सकते हो इस तरह से थर्मोकॉल पैकेजिंग में ये आता है इसे सिंपली आपको थर्मोकॉल को यहाँ स्लाइड करना है और ये बाहर आ जाएगा ये आप देख सकते हो इसे बाहर आने के बाद इस पर स्क्रैच नहीं लगे उसके लिए यहाँ पर ये पॉलोथीन भी डाला गया है तो चलिए अब इसे पॉलोथीन के बाहर भी निकाल लेते हैं तो ये पॉलोथीन के बाहर आ चुका है इसे साइड में रखते हैं और इसके साथ यहाँ पर दो पेपर मिले हैं मुझे ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ पहले इसे साइड कर देते हैं तो गाइज़ ये इसके साथ में एक मैनुअल मिला है यहाँ पर भी निस्कोमेड लिखा हुआ है पर्सनल डिजिटल स्केल यहाँ पर इसका मॉडल नंबर डब्लू एस जीरो जीरो वन लिखा हुआ है और यहाँ पर आप देख सकते हो अगर इसका बैटरी लो होता है तो यहाँ पर एल ओ शो करेगा तो आपको बैटरी चेंज करना होगा वहाँ पर और ये सब आगे मैं आपको बताता चाहूँगा अभी थोड़ा देर के लिए इसे साइड कर देता हूँ यहाँ पर ये एक स्लिप मिला है ये भी मैं आपको वीडियो में आगे दिखा दूंगा पूरा और इस कंपनी के बारे में भी पूरा बता दूंगा तो चलिए इसे साइड करते हैं और ये रहा हमारा मेन प्रोडक्ट जो कि एक वेजिंग स्केल है ये रेड कलर में है इसके और भी कलर्स आते हैं जो कि आपको यहाँ पर चारकोल ब्लैक कलर भी देखने को मिल जाएगा इसमें सिल्वर म्यूजिक और मिंट ग्रीन इसके अलावा और भी कुछ कलर्स हैं ये कलरफुल और प्रिंटेड दोनों में आता है तो आपको जो भी लेना हो आप ले सकते हो ये फ्लिपकार्ट और अमेजोन दोनों पे अवेलेबल है और यहाँ पर आप इसका लुक देख सकते हो ऊपर से इस पर ग्लास लगाया गया है और वो भी कोई नॉर्मल ग्लास नहीं है ये एक टेंट ग्लास है जो कि फाइव एम का है और ये स्क्वायर शेप में है ये आप देख सकते हो इसका जितना भी साइड है सारा साइड इसका बराबर है जो कि 28 सेंटीमीटर का है इसका जो मिनिमम वेट जो ये मेजर करेगा वो 20 ग्राम है और मैक्सिमम वेजिंग कैपेसिटी इसका 180 एट्टी है 396 नाइन्टी है एल मतलब पाउंड यानी कि ये 396 नाइन्टी पाउंड तक मेजर कर सकता है और 25 फाइव एसटोन तक मेजर कर सकता है और आगे से कुछ इस तरह का है यहाँ पर निस्को मेड का ब्रांडिंग किया हुआ है आप यहाँ पर देख सकते हो इसके पीछे का कुछ इस तरह से है यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर ये जो आप चार देख रहे हो इसके ऊपर में एंटी स्कीड पैडिंग लगा हुआ है जिसके कारण ये स्लिप नहीं करता है और इसके अंदर हाई प्रिसाइज स्ट्रेन गॉस सेंसर सिस्टम लगा हुआ है जिसके थ्रू जब उस पर प्रेशर पड़ता है तो ये वेट मेजर करता है यहाँ पर भी निस्कोमेड लिखा हुआ है आपको मैं थोड़ा आगे करके भी दिखा देता हूँ आप यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर निस्कोमेड लिखा हुआ है ये बाथरूम स्केल मॉडल लिखा हुआ है बट ये वाटर प्रूफ नहीं है इस पर आप वाटर अप्लाई मत कीजिएगा इसे आप पानी से जितना दूर रखिए उतना अच्छा होगा और यहाँ पर इसका ये बैटरी कंपार्टमेंट है अभी मैं आपको इसे भी ओपन करके दिखा देता हूँ इसमें कुछ इस तरह के दो बैटरी लगे हुए हैं और ये बैटरी पहले से इंसर्ट होकर कंपनी के तरफ से ही आए हैं तो गाइज़ इसमें आपको जब आप इसे परचेज करोगे तो उस टाइम आपको बैटरी अलग से परचेज़ करके इसमें लगाना नहीं होगा तो ये काफ़ी अच्छा बात है चलिए अभी इसे ऑफ कर देते हैं और ये यहाँ पर यूनिट बटन है इसके थ्रू आप यहाँ से यूनिट चेंज कर सकते हो इसके साथ आपको इंस्टेंट स्टेप अप टेक्नोलॉजी मिल जाता है आप जैसे ही इस पर अपना पैर रखोगे ये ऑटोमेटिक ऑन हो जाएगा आपको कोई ज़रूरी नहीं है पीछे का बटन जो यूनिट बटन है पीछे आपको उसे क्लिक करके हर बार ऑन करने का ऑफ करने का ज़रूरी नहीं है आप इस पर जैसे ही पैर रखोगे ये ऑटोमेटिक ऑन हो जाएगा और जब आप एक इस पर एक बार वेट मेजर कर लोगे अपना तो 10 सेकंड तक ये आपका वेट फ्लैश करता रहेगा जो भी यूनिट इसमें आएगा वो फ्लैश करता रहेगा और 10 सेकंड के बाद दो सेकंड के लिए ये जीरो हो जाएगा फिर ट्वेल्व सेकंड पे ये ऑफ हो जाता है और गाइज़ ये वाटरप्रूफ नहीं है तो इसे आपको पानी से दूर रखना है इसे धोना नहीं है इसके साथ में यहाँ पर आप देख सकते हो आपको डिजिटल मीटर मिलता है और गाइज़ इसका जो ये थिकनेस है ये वन पॉइंट एट सेंटीमीटर का इसका थिकनेस है ये जो आप देख रहे हो ये थिकनेस इसका ये वन सेंटीमीटर का है और गाइज़ इसका जो ये डिस्प्ले है ये एक एल डिस्प्ले है जो कि सेवनटी फाइव एम 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 का है ये चार डिजिट फ्लैश करता है दो ट्रिपल ए बैटरी इसमें लगता है इसके साथ इसमें टेम्परेचर डिस्प्ले भी होता है अभी मैं आपको इसे ऑन करके भी दिखा देता हूँ जैसे कि अभी आप यहाँ पर देख सकते हो ये रखा हुआ है सिर्फ मैं एक बार इसे प्रेस करता हूँ और यहाँ पर आप देख सकते हो ये ऑन हो चुका है यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर ये यह चार यूनिट शो करता है ये इसका बैटरी इंडिकेटर है यहाँ पर ये यह टेम्परेचर डिस्प्ले कर रहा है अभी मेरे रूम का टेम्परेचर 22 डिग्री सेल्सियस है तो यहाँ पर ये 22 डिग्री सेल्सियस शो कर रहा है और पीछे इसका यूनिट बटन है उसे क्लिक करके आप इसका के से इसे चेंज कर सकते जैसे कि अभी आप यहाँ पर देख सकते हो ये अभी यहाँ पर के में शो कर रहा है इसे मैंने एक बार और क्लिक किया ये एल यानी पाउंड में हो गया एक बार फिर से मैंने क्लिक किया ये एल बी में चला गया स्टोन में चला गया फिर से इसे क्लिक करता हूँ ये के में कन्वर्ट हो गया यहाँ पर जो ये बैटरी इंडिकेटर अभी बैटरी चूँकि नया है इसके अंदर फुल बैटरी है इसीलिए यहाँ पर ये फुल शो कर रहा है जब इसका बैटरी इसका जब डिस्चार्ज हो जाएगा पूरा ख़त्म पे आ जाएगा जब बैटरी इसका तो इसमें एल ओ शो कर देगा लो बैटरी तब आपको बैटरी चेंज करना होगा इसका और इसका मैनुअल में ये चीज़ दिया हुआ भी है आपको मैं दिखा देता हूँ आप यहाँ पर देख सकते हो अगर इसका लो बैटरी होगा तो इस तरह से लो शो करेगा और अगर कुछ भी इरड़ होता है या ओवरलोड होता है तो यहाँ पर ई डबल आर शो करेगा इरड़ के लिए शो करता है या ओ एल भी शो कर सकता है आपको जब ओवरलोड होगा तो ये मैक्सिमम 180 एटी तक वेट मेजर कर सकता है और गाइज इसका एक्यूरेट रीडिंग रहता है और गाइज इसका मटेरियल ग्लास है और वो टेम्पर्ड ग्लास है जिसे आप नॉर्मल यूज करते हो तो ये टूटेगा नहीं बस आपको इसे पटकना नहीं है कहीं से भी आप इसे नहीं कि इसे उठाकर कहीं से भी पटक दीजिए तब तो, तो ये टूट ही जाएगा पावर रिक्वायरमेंट इसका डी सी है और फाइव एम mm का इसके अंदर टेम्पर्ड ग्लास है और इस प्रोडक्ट का वेट वन पॉइंट है और अगर आप इसकी पैकेजिंग के साथ अगर इसका वेट करते हो तो वन पॉइंट थ्री फाइव के जी इसका वेट आएगा इसके पैकेजिंग के साथ में इसे आपको वेट करने के लिए पहले इसे फ्लैट और हार्ड सरफेस पे रखना होगा फिर आपको अपना इससे वेट मेजर करना है और गाइज इसमें आपको अपना वेट मेजर करने के लिए इसके बीच में आपको खड़े होना है ताकि आप स्लिप ना करो और ये वेट सही से मेजर कर सके तो गाइज अभी आप यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर ये यह जीरो शो कर रहा है तो अभी इस पर देखिए अभी ये ऑफ भी हो चुका है तो अभी आप यहाँ पर देख सकते हो चढ़ रहा हूँ इसके ऊपर देखिए जैसे ही इसके ऊपर पैर रखा ये ऑन हो गया और ये वेट मेजर करना शुरू कर चुका है यहाँ पर ये 64 फोर के जी यहाँ पर वेट शो कर रहा है तो चलिए अब यहाँ से नीचे हो जाते हैं ये मैं आपको एक्यूरेट रीडिंग इसका दिखाना चाहता हूँ इसीलिए मैं आपको ये दिखा रहा हूँ देखिए अभी 64 फोर ये टेन सेकेंड तक शो किया जीरो हो गया फिर से अब इसके ऊपर मैं आ रहा हूँ देखिए यहाँ पर देखिए फिर से ये सिक्सटी फोर के जी शो कर रहा है और गाइज़ अब मैं आपको इस कंपनी के बारे में बताता हूँ निस्कोमेड कंपनी जो है वो अशोक इंटरप्राइजेज़ के नाम से रजिस्टर्ड है ये न्यू दिल्ली में है ट्रस्ट सील वेरीफाइड है और ये कंपनी मेडिकल इक्विपमेंट्स की मैन्युफैक्चरर ट्रेडर और होलसेलर है यह कंपनी 1983 में एस्टेब्लिश हुई थी और इस कंपनी ने 39 नाइन ईयर्स अभी तक में कंप्लीट कर लिए हैं यह कंपनी आई सर्टिफाइड है और एफ अप्रूव्ड है जैसा कि आपको मैं यहाँ पर दिखा भी देता हूँ यहाँ पर आप देख सकते हो ये कंपनी आई सर्टिफाइड है और एफ अप्रूव्ड भी है और इस कंपनी के प्रोडक्ट इजी टू तो ऑपरेट होते हैं प्रिसाइज रिजल्ट्स देते हैं कॉरेजन रेसिस्टेंस है एक्सीलेंट परफॉर्मेंस होता है जर्म फ्री है पोर्टेबल है मेंटेनेंस फ्री है लाइट इन वेट है और स्किन फ्रेंडली और सबसे अच्छी बात की कॉस्ट इफेक्टिव प्रोडक्ट ये रहते हैं अब मैं आपको इनके कुछ प्रोडक्ट्स दिखा देता हूँ यहाँ पर जो स्लिप पे आप यहाँ पर देख सकते हो जैसे कि डिजिटल बी मशीन है स्टेथोस्कोप है यहाँ पर ये फीचल टॉपलर है इलेक्ट्रिक वार्म बैग है इंफ्रा रेड है ये डिजिटल वेजिंग स्केल है जो कि अभी आपके सामने यहाँ पर रखा हुआ भी है और ये इसका ब्लैक कलर है ये रेड कलर है जो रेड कलर अभी नीचे रखा हुआ है लेग मसाजर भी इस कंपनी के इस कंपनी का आता है और यहाँ पर ये हॉट वाटर बैग है नेब्यूलाइज़र है मेस नेब्यूलाइजर है डिजिटल थर्मामीटर है और यहाँ पर यह ऑक्सीमीटर है तो गैस काफ़ी सारे प्रोडक्ट जो भी मेडिकल से रिलेटेड प्रोडक्ट है वो सब ये कंपनी मैन्युफैक्चर करती है काफ़ी सस्ते दामों में अच्छी क्वालिटी की प्रोडक्ट देती है तो आपको इस साइट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा आप एक बार इसका साइट विजिट कर लीजिएगा तो वहाँ से आपको इनके प्रोडक्ट के बारे में पता चल जाएगा और इनका एक यूट्यूब चैनल भी है अशोक इंटरप्राइजेज के नाम से लिंक आपको इनके चैनल का भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा जहाँ पर आप इनके प्रोडक्ट्स का ट्यूटोरियल वीडियोस देख सकते हो तो इनके चैनल को भी जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इनके वीडियो को लाइक और शेयर जरूर से कर दीजिएगा तो थैंक यू वाइज मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा थैंक यू वाइज मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में Don't forget to subscribe Digital Teach YouTube channel and also hit the bell icon and never miss updates. Thank you so much. We will meet soon. Like and share our video.